तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपका कॉलेज बंद हो गया है या स्कूल बंद हो गया है जहाँ से आपने अपना हाई स्कूल किया है, जहाँ से आपने 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड किया है, या आपने कहीं से ग्रेजुएशन लिया है, या आपके पास मार्कशीट है किसी कॉलेज की और वो कॉलेज बंद हो गया, उस केस में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा कैसे? क्या ये पॉसिबल है कि आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन निकल जाए, और क्या उस केस में आपको मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो मैं दोस्त आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर बता देना चाहता हूँ कि एवरी कॉलेज और एवरी स्कूल्स दे आर अटैच विद समवेयर एल्स यूनिवर्सिटी, तो वो किसी ना किसी एक यूनिवर्सिटी से अटैच होते हैं। अब उस यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे स्कूल आते हैं, बहुत सारे कॉलेज आते हैं, एंड वो बहुत सारे जो स्कूल कॉलेज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में हो सकते हैं कि कोई आपको सिर्फ आर्ट का पढ़ा रहा है, कोई इंग्लिश मीडियम है, कोई हिंदी मीडियम है, तो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। बट एट द एंड जाके वो क्या होता है कि एक किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से जाके वहाँ पे अटैच होते हैं। तो उस केस में मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी आप एक्स वाई जेड स्कूल में हो, कोई भी एक्स वाई जेड कॉलेज में हो, तो अगर आपका वहाँ से डेटाबेस ख़त्म हो जाता है या वो कॉलेज बंद हो जाता है, तो वो स्टिल आपका डेटा आपकी यूनिवर्सिटी के पास रहता है। अब यहाँ पे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का रूल क्या आता है, जो सीन उनका होता है, तो क्या होता है कि पहले तो वो कॉलेज को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पहले स्कूल को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली अगर वो कॉलेज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड है, जैसे उनकी ईमेल है, फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप है अगर वो चलाते हैं तो, या कोई भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो पहले वो स्कूल या कॉलेज को ट्राई करते हैं कि उनसे कनेक्शन बन जाए। अगर इनके उनसे कनेक्शन नहीं बनता है तो फिर आपके वो यूनिवर्सिटी से कनेक्शन बनाते हैं, यूनिवर्सिटी से कनेक्ट करते हैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। एंड डिफरेंट केस क्या होता है कि एक आपका जो रोल नंबर बेसिकली होता है, एक एनरोलमेंट नंबर होता है आपकी मार्कशीट पे या डिग्री पे ज़रूर होगा, इस तरीके के दो नंबर होते हैं आपकी डिग्री या मार्कशीट पे। तो उस केस में क्या होता है कि वो पोर्टल पे जाके भी चेक कर लेते हैं कि आपका ओरिजिनल है कि नहीं है, रियल है कि नहीं है। एंड ये मैं आपको स्मॉल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे 50-60-70-80 एम्प्लॉय हूँ, मैं वहाँ के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, ये मिड लेवल एंड अबव की बात कर रहा हूँ, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, फॉर्च्यून 500 है या मिड लेवल की कंपनी है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे वो या तो उस यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट डालते हैं कि इस कैंडिडेट का मुझे डेटाबेस बताओ कि आपके यहाँ रजिस्टर्ड है कि नहीं है, क्योंकि आपकी डिग्री मार्कशीट में कहीं ना कहीं का तो एड्रेस पड़ा होगा, किसी ना किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम तो पड़ा ही होगा। एंड इसके बाद अगर वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आता यूनिवर्सिटी, तो वहाँ से फिजिकली विजिट कराते हैं, ऑनलाइन नहीं मिलता तब भी उस केस में भी फिजिकली विजिट कराते हैं। तो हर तरीके से वो आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी को वहाँ पे वेरीफाई करते हैं, बेसिकली आपकी डिग्री जो मार्कशीट होती है। एंड अगर आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी बंद हो गया है किसी भी तरीके यूनिवर्सिटी, तो उस यूनिवर्सिटी का सारा डेटा दूसरे यूनिवर्सिटी को ट्रांसफ़र किया जाता है, लेकिन इनकेस यूनिवर्सिटी भी बंद हो गया तो उस केस में उसका जो डेटा होगा वो दूसरी यूनिवर्सिटी को ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में जा रहे हो, अगर आपका कॉलेज स्कूल बंद हो गया तो उस बेस पे आपका कभी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन रिजेक्ट नहीं होता है, वो बाईपास किया जाता है, उसको कंप्लीट किया जाता है किसी ना किसी तरीके से बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करा के, बट वो कभी क्लोज नहीं होता कि आपका बीजी भी रिजेक्ट हो गया, आपका स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी बंद हो गया। तो होपफुली आप समझ गए होंगे इस वीडियो में। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर आपको कोई भी कमेंट या क्वेरी है तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हो, चार्जेबल कॉल होती है। मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।